आज की क्लास में मैं आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जब एजेंट्स पढ़ा रही थी मैं, उस वक्त मैंने आपको बहुत सारे एजेंट्स बताए थे, मैक्सिमम एजेंट्स, जिससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं तो उनमें स्पेशलिटी क्या होगी, क्या स्पेशल होगा। सबसे पहली चीज या सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि विंड क्या है, अबायोटिक है या बायोटिक है, क्या है? अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर अबायोटिक है तो अबायोटिक फैक्टर के लिए किसी फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं, उसको नेक्टर कैरी करने की कोई जरूरत नहीं, उसको ब्राइटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत वेल डिफाइंड होने की भी बहुत जरूरत नहीं है और अट्रैक्टिवनेस की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलने का मतलब है कि हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पेटल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ज्यादातर के पास क्या है, पेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक और चैलेंजिंग जॉब क्या होता है यहाँ पे, एजेंट क्या है? हेलो, हेलो। हाँ मैम, समीक्षा ज्वाइन किए हैं क्लास। समीक्षा का एक्चुअली थोड़ा आई का प्रॉब्लम था, आपको बताए थे ना मैम, तो जो छूट गया थोड़ा, एक बार 2 मिनट समीक्षा से थोड़ा बात कर लीजिए। आंख में बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी 1 हफ्ता लगेगा ठीक हो। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, यहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कि यहाँ पे इसके अबायोटिक होने की वजह से उस फ्लावर को ना तो नेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ना ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी, ना ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये आपको बता इसलिए रही हूँ कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट रिक्वायर ब्राइट कलर्स, उनको बहुत ज्यादा ब्राइट कलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, कॉर्न जो होता है तो कभी आपने कोई फ्रेग्रेंस नहीं नोटिस करा होगा उसमें, कभी कोई फ्रेग्रेंस नोटिस करा है क्या? मान लीजिए कॉर्न के पास कभी भी आपने नोटिस नहीं करा होगा, तो उसका रीजन क्या है कि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं। अभी जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं, आपका वीडियो ऑफ है, तो रीजन ये है कि कैजुअली आप रिलैक्स मोड में आप जैसे हैं वैसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यही ऑफलाइन क्लास लेती तो आपका 15 से 20 मिनट आधा घंटा टाइम जो है वो रेडी होने में जाता, फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में आपका कुछ टाइम वेस्ट होता। ऊपर से ऐसी तो नहीं है कि इसी तरीके से उठ के चले जाते, आपको वेल मेंटेन होके जाना पड़ता। रीजन क्या था, जब किसी को दिखिएगा तभी तो मेंटेन होने की रिक्वायरमेंट है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे विंड क्या है, अबायोटिक फैक्टर है, तो इसके लिए अट्रैक्टिव होना कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नेक्टर भी नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। फ्लावर जो है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है स्मॉल, इसके लिए एक और टर्म आपको लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। मतलब ये है कि फ्लावर्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड या ऐसे जैसे आप रोज फ्लावर को पहचानते हैं, देखते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी फ्लावर को याद करें इसमें या स्पेशली समझे उस तरीके से कि ये फ्लावर है, इसकी आपको पढ़ाई कराई जा रही है। रीजन ये है कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको, जब किसी को अट्रैक्ट नहीं करना तो ये बहुत वेल डिफाइंड फ्लावर कैरी करके क्या करेगा, ठीक है। पेटल्स भी नहीं है इसके पास, बहुत ज्यादा पेटल्स के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है, अपना कॉमन सेंस लगा के देखेंगे, अगर आपके पास 2 प्लांट्स अवेलेबल हैं, प्लांट्स का नंबर है आपके पास 2, और एक प्लांट आपको सपोज करना है कि जहां जिस जगह पे अवेलेबल है उससे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा प्लांट अवेलेबल है, लेकिन पॉलिनेशन हो गया दोनों में, मतलब क्या हुआ,
पॉलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के कहाँ गए, उसके नेक्स्ट पार्टनर के पास गए। तो जाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आप कैसे किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं? तो ट्रांसपोर्ट तो तब करा सकते हैं ना जब वो लाइट वेटेड हो। तो एक और आपने कॉमन सेंस यहाँ पे क्या निकाला कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसके कैसे होंगे, वो लाइट वेटेड होंगे। कैसे होंगे? लाइट वेटेड होंगे। ऑब्वियस है, बहुत हैवी होगा तो पता चला कि वहां से रिलीज होने के बाद वहीं गिर जाएगा, वो आगे नहीं मूव कर पाएगा वहां से। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, पर्टिकुलर स्पीशीज के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता हुआ बिल्कुल स्पेसिफिक पिस्टिल, मतलब सेम स्पीशीज के पिस्टिल पे जाके लैंड हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो कैसे होगा? होगा तो तब ना जब वो वेल एक्सपोज्ड होंगे एयर करंट में। ऑब्वियस है, चाहे हम स्टैमेन की बात करें चाहे हम स्टिग्मा की बात करें, दोनों के दोनों एयर करंट में क्या है, वेल एक्सपोज्ड होते हैं। और एक और चीज है यहाँ पे ना, चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम बोलने का मतलब हजारों हजार के नंबर में यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होंगे, तब जाके कुछ वहां पे क्या कर पाते हैं, अपने आप को पॉलिनेट करा पाते हैं, लैंड करा पाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और फिर वो पॉलन ट्यूब बना के आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन को लीड करेंगे। ठीक है, अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लाइट वेटेड होगा तभी वो इजिली वाटर करंट में मूव कर सकता है। तो कैसा होगा ये? स्मूथ भी होगा, लाइट वेटेड भी होगा, इजिली एयरबॉर्न होगा। पता चला थोड़ी भी हवा भाई तो ये इजिली क्या करेगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा जो है इसका फेदरी होता है। फेदरी होने का रीजन ये है सबसे बड़ा, क्योंकि इसको क्या करना है, पॉलेंस को कैच करना है। जो विंड करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन आता हुआ इसको दिखेगा, मतलब जो आ रहा है उसको ये कैच करेगा। एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट। मुझे कोई बताएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू काइंड्स ऑफ फ्लावर? मैम, स्टैमिनेट स्टैमिनेट आर द फ्लावर्स व्हिच हैव ओनली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन देम, एंड पिस्टिलेट्स आर द फ्लावर्स व्हिच हैव ओनली फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल स्ट्रक्चर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव वेरी गुड, नेम से ही क्लियर है। चैप्टर वन जब मैं पढ़ा रही थी वहां मैंने आपको बताया था। तो ये स्टैमिनेट जो हम बोल रहे हैं, दैट मींस कि इसके पास सिर्फ स्टैमिन है, इसके नाम में ही दिख रहा है। पिस्टिलेट बोलने का मतलब है कि इसके पास सिर्फ क्या है, पिस्टिल है। ठीक है, ये मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायशियस भी हो सकते हैं। बच्चों का एक क्वेश्चन आता है यहाँ कि अगर सिर्फ ये स्टैमिनेट है तब भी ठीक है, अगर ये पिस्टिल तब भी ठीक है, लेकिन बायसेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? तो अभी जब चैप्टर में आगे हम लोग मूव करेंगे तो मैं आपको वहां पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाऊंगी, जहां मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगी कि प्लांट्स के पास एक स्पेशलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। उसका साफ सीधा सा रीजन ये है कि ये अपनी क्वालिटी को इंक्रीज और इनहेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि अगर ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो इसका मतलब है कि इसको सिर्फ क्या होना चाहिए था, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए था। कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ क्या होना चाहिए, वही विंड के हिस्से और विंड के ऊपर हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि ये क्या करे, बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक लेके जा सके। तो उससे बचाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। और फ्रूट्स जो है उसमें जनरली आपने क्या देखा होगा, सिंगल सीडेड दिखा होगा। बहुत सारे इसके क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है, वराइटी ऑफ। सबसे पहली बात, दुनिया में जितनी घासें होती है ना, जितनी भी ग्रासेस हैं, सब के सब ग्रासेस जो है वो क्या है, उनका विंड पॉलिनेशन होगा। तो एक स्पेशल अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन ग्रासेस, और आपको नीचे एनिमोफिली हाइड्रोफिली इंटरफिली। एनिमोफिली हाँ, तो एनिमोफिली को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ओक, बर्क, पॉपुलर, हेजल, डॉक, कैटल, प्लांटेन एंड पेपाइरस। आप इन सबको गूगल इमेजेस में देख लेंगे। अगर किसी को आप नहीं पहचानते हैं तो आप इमेज सर्च करके देख लेंगे। और बाकी तो अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो बहुत सिंपल सा एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है इसका, वो कॉर्न मेज जो है वो तो है ही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
और दूसरी बात, अगर इसमें किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे मेरे से। यस मैम, ओके, आगे आगे चले हम लोग। हाँ मैम, यस मैम। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। फ्लावर्स विंड पॉलिनेटर है। फ्लावर्स कैसे हैं? विंड पॉलिनेटर है। तो ठीक है, हमने बोला फ्लावर्स विंड पॉलिनेटर है, तो पॉलिन ग्रेन्स कैसे होंगे? लाइट वेटेड होंगे, हैवी वेट होगा, कैसा होगा वो? लाइट वेटेड। लाइट वेटेड होंगे। इसका जो स्टैमेन और स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा? इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा, ये वेल एक्सपोज्ड होगा? एक्सपोज्ड। हाँ ठीक है, ये वेल एक्सपोज्ड होंगे। लेकिन अगर हम फ्लावर्स की बात करेंगे तो वो स्मॉल होंगे। फ्लावर्स कैसे होंगे? इसके स्मॉल होंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें पॉलिन ग्रेन्स का, अगर एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ लू आपसे, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, तब क्या होगा आंसर? विंड विंड पॉलिनेशन। ठीक है, तो भी सेम आंसर होगा, दैट इज विंड पॉलिनेशन। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक अबायोटिक फैक्टर है। दूसरी बात ये है, अबायोटिक में दो ही है आपके पास, एक विंड पॉलिनेशन है, दूसरा वाटर पॉलिनेशन है। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करके देखें तो विंड और वाटर वाले में से भी जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है वो कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका विंड पॉलिनेशन था। और दूसरी बात ये है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अडाप्टेशंस हैं ये एक प्रोलॉन्ग टाइम तक अपने आप को एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन कराते 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 आज के डे में ये इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे समझना है वाटर पॉलिनेशन थोड़ा सा। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। उसका रीजन ये है कि जो ये वाटर पॉलिनेशन है ये अपने आप में स्पेशल भी बोल सकते हैं, यूनिक भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि वाटर हायसिंथ और लोटस के फ्लावर्स हैं उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, तब क्या बोलेंगे? हम क्वेश्चन लोटस रिपीट फ्लावर्स, कीजिए। मेंशन द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन लोटस फ्लावर। मैं लोटस लिख दूं, वाटर हायसिंथ लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, मैम वो तो वाटर से नहीं लोटस होगा। में तो एयर पॉलिनेशन होगा। हाँ मैम, ठीक है, एयर वेरी गुड। पॉल्यूशन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। इन वाटर हायसिंथ एक और वाटर लिली समथिंग ऐसे करके नेम लिखा हुआ है, आप देखेंगे आपको दिख जाएगा। द मोड ऑफ पॉलिनेशन मे बी ऐसे करके आपको लिखा हुआ है, चार ऑप्शंस है उसमें, वाटर भी है। उसके बाद जो सही ऑप्शन है ना उसमें विंड और स्लैश डाल के इंसेक्ट लिखा हुआ है, जो सही ऑप्शन है। अब एक ऑब्वियस सी बात है, आप जब पूरी अपनी बुक को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट आपको मेंशन किया हुआ है कि ठीक है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसको क्या होना चाहिए, विंड पॉलिनेटेड होना चाहिए, या फिर उल्टा करते हैं इसको, कोई ऐसा फ्लावर है जिसको इंसेक्ट पॉलिनेटेड होना चाहिए लेकिन बाय डिफॉल्ट एयर करंट की वजह से पॉलिन ग्रेन जाके उसके साथ वाली स्पीशीज के दूसरे प्लांट पे लैंड कर गए, तो पॉलिनेशन का टैग नहीं देंगे क्या हम? देंगे, बिल्कुल देंगे। तो लोटस के फ्लावर को आप देखें, चाहे वाटर हायसिंथ को देखें, तो वो वाटर में सबमर्ज्ड प्लांट्स नहीं है वो। तो हम जो ये वाटर पॉलिनेशन मैम देख फिर रहे भी हैं, तो वाटर हाइसिन तो इस वाटर के सरफेस में होता है ना। हाँ बिल्कुल, वो फ्री है, दैट्स फ्री। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें होगा ही नहीं वाटर पॉलिनेशन। रीजन ये है कि वाटर पॉलिनेशन हम सिर्फ सबमर्ज्ड प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे, बात समझ रहे? मतलब पानी में जो कम्प्लीटली डूबे हुए होंगे ना, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होंगे सिर्फ उनके लिए हम लोग पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट ये आएगा कि जब आपको ये पढ़ाई करनी होगी कि व्हाट आर द स्पेसिफिक एडाप्टेशंस ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो आपको वहां पे याद ये रखना पड़ेगा दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन सबमर्ज्ड फ्लावर्स। मतलब फ्लावर तक उसका कैसा होना चाहिए, सबमर्ज्ड होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। नहीं होगा सबमर्ज्ड तो इसको क्या पढ़िए, करेगा आराम से, हवा में तो है, वहां पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है वहां पे, उसको जैसे मन करेगा वैसे पॉलिनेशन करेगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सबमर्ज फ्लावर्स में दिखेगा। और इसके क्लासिक एग्जांपल है आपके पास वेलिस्नेरिया, जिसके लीव्स कैसे होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, मे बी आपने लैब में देखा हो, कुछ हो या ना हो, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया जरूर रखते हैं लैब में, नहीं देखा हो तो वैसे भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाता है ये वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा इसके क्लासिक एग्जाम्पल से याद रखेंगे। क्या मतलब हुआ बोलने का, हमने जैसे यहाँ पे टैग दे दिया कि ये क्या है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वैसे आपको यहाँ पे ये बात समझ जानी चाहिए कि दीज आर सबमर्ज्ड फ्लावर्स इन वाटर, पानी में कंप्लीटली डूबे हुए हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉलिनेशन होगा तो होगा कैसे, तो इसके पॉलिनेशन के ऊपर ना थोड़ा ध्यान देते हैं। आपने बहुत छोटे छोटे अगर पेपर पेबल्स जो हैं वो कटिंग करके अगर पानी में डाल दिया तो क्या होगा, कहाँ फ्लोट करेगा वो, सरफेस के ऊपर, ठीक है, वेरी गुड। आप चाहे स्पेशली उसको डेप्थ में ले जाके नीचे भी छोड़ देना तब भी वो यहाँ से वापस ऊपर जाके सरफेस पर ही फ्लोट करेगा, यस और नो, सोचिए, यस कॉमन सेंस है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम क्या ये पॉइंट यहाँ पे लिखना जरूरी है कि जो पॉलन ग्रेन्स है आर सो सो एंड सो लाइट वेटेड दैट दे कैन इजिली फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, कि ये वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, हमें ऐसा लिखना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल जरूरी है। ये लाइट वेटेड है, वाटर सरफेस के ऊपर ये फ्लोट करता रहेगा। और इसकी फीमेल फ्लावर का अडाप्टेशन देखिए, इसकी फीमेल फ्लावर का अडाप्टेशन ये है कि इस फ्लावर ने अपना माउथ जो है ये कहाँ कर रखा है, वाटर सरफेस पे कर रखा है, कहाँ कर रखा है, वाटर सरफेस पे कर रखा है। तो होता ये है कि ये जो मेल फ्लावर है तो ये मेल फ्लावर ऐसे कुछ तो यहाँ पे आपको सरफेस के ऊपर भी फ्लोट करते हुए दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जो भी है, बट ये कहाँ दिख रहा है आपको, वाटर के आउटर सरफेस की तरफ ही दिख रहा है। हेलो मैम, पानी में वैसे, हाँ हाँ मैं जो बोल रहा हूँ जो ये वाला पार्ट और एक बार समझा देंगे, हाँ मैं बता रही हूँ। तो ये जो मेल फ्लावर है, ये जो क्या है, मेल फ्लावर है, ये पूरे के पूरे जो मेल फ्लावर्स हैं ये लाइट वेटेड हैं, ये खुद भी लाइट वेटेड हैं, और इनके अंदर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स का भी जो वेट होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। अच्छा, पानी में या वाटर सरफेस के ऊपर कभी आपने बलून को डाल के देखा है वाटर सरफेस पे, क्या होता है, ऊपर चलाता है, मतलब आप उसको पकड़ के जबरदस्ती ना एकदम अंदर की तरफ डुबो के फिर छोड़ दीजिए, वापस ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा, ऊपर चलाएं, क्योंकि वो लाइट वेटेड है, क्या है वो, उसमें आपने एयर फिल कर रखा है जिसकी डेंसिटी मच 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 लेस है किससे, वाटर से, तो जिसकी वजह से कहाँ चला गया, वाटर सरफेस के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे उसी तरीके से ये जो आपके पास अवेलेबल है मेल फ्लावर्स, तो ये मेल फ्लावर भी कहाँ फ्लोट करेगा, ये आपको दिख रहा है वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है जितने भी है यहाँ पे। और इस फीमेल फ्लावर ने भी क्या कर रखा है, अपने माउथ को वाटर सरफेस के पास रख रखा है। अब आपको पता है क्या हो सकता है और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, सरफेस के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स फ्लोट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे इसके माउथ के थ्रू अंदर की तरफ ट्रांसफर होंगे, और मैंने आपको व्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है, इस फ्लावर के अंदर सबसे डेप्थ में जाके जो एग अवेलेबल होगा उसके साथ ये पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज कर जाते हैं, समझ आया सबको। और यहाँ एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे मेन इन्फ्लोरेसेंस है, ये मतलब
ये जितने फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं इन सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट या बंच बोल सकते हैं आप इसको। तो ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। जैसे आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन अराइज हो कि अगर यहाँ पे मेल इन्फ्लोरेसेंस लिखा है तो इसमें से पूरे के पूरे जो फ्लावर्स है सब चले जाते होंगे, अचानक से पूरा खाली हो जाता होगा, नहीं, धीरे धीरे इसमें से डिटैच होते जाते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर अपने आप को लेता चला जाता है। और ये जैसे ही आर्किगोनियम के माउथ के पास जाएगा ये क्या करेगा, अंदर जाके एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। फर्टिलाइजेशन का एक ही प्रोडक्ट हो सकता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज जायगोट। क्या फॉर्म होगा आपका? जायगोट फॉर्म होगा। ठीक है, समझ आया सबको? ये सिंपल सा जो डायग्राम दिख रहा है ना, बस उतना ही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। ये आप भी देख के इसको समझ सकते हैं, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये डायग्राम अच्छा अवेलेबल है आपके पास। सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, वहां भी ये चीजें आपको बताई गई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेटेड, बहुत हैवी होगा नहीं तैर पाएगा, फ्लोट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा एक कीवर्ड रिबन शेप्ड लीव्स का क्या फंक्शन है इसमें? हाँ, ये रिबन शेप्ड जो है, जब आप 9th क्लास में बायो पढ़ रहे थे ना तो आपने पढ़ा था यहाँ पे एरेन काइमा, याद आया? यस मैम, आपने एरेन काइमा पढ़ा था। ठीक है, द टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू व्हिच प्रोवाइड्स बायंसी, जो कि बायंसी प्रोवाइड करने का काम करेगा किसको? एरेन काइमा। तो ये जो रिबन शेप्ड लीफ है ना, आप इसको ऐसा करके देखें, अगर ये जो रिबन शेप्ड है इसकी बजाय हम इसको प्रॉपर सरफेस एरिया वाला बना देते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर ज्यादातर आपने जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स देखे होंगे उसके लीव्स बहुत छोटे छोटे रिबन शेप पतले पतले ऐसे ही होते हैं। अगर आप इसका ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो इसको एक्सेस वाटर प्रेशर की वजह से टियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती, हो सकती नहीं हो सकती, कॉमन सेंस लगाइए अपना, हो सकती है ना? यस मैम। लेकिन जब इतने पतले पतले होंगे तो क्या करेगा? दूसरी बात, यहाँ पे आपको वेलिसन एरिया दिख रहा है, नो डाउट। मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, एक प्रोजेक्ट दिया मैंने सारे बच्चों को, पेपर कटिंग करके ऐसा ही वेलिसन एरिया का प्लांट जो है वो तुम लोग बना के लाना, आपने देखा आप वैसा ही बना के ले आए, सेम डिटो कलर पेंट करके सब कुछ करके वापस ले जाके अगर आप उसको सॉइल के अंदर दबा देंगे, मतलब उसके वाटर सरफेस के अंदर जो ग्राउंड है उसके अंदर, तो क्या ये इसी तरीके से अगेंस्ट द ग्रेविटी, समझने वाली बात है यहाँ, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जो ये खड़ा है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा है, ये कहाँ खड़ा है? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा है, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ मुड़ गया ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो यहाँ पे ये खड़ा है तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि उसको पानी में फ्लोट कराने में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज एरेन काइमा, जो इसको बायंसी भी प्रोवाइड करने का क्या करेगा, काम करेगा, जिसकी वजह से इजिली यहाँ पे आपको इतना बढ़िया और ऐसे ये खड़ा दिख रहा है जैसे कि किसी नेचुरल इन्वायरमेंटल प्लांट को या ट्री को आप देखते हैं वैसे ही उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा ही एक प्लांट आर्टिफिशियल ले जाके वहां पे रखने की कोशिश करते हैं वो आपको इतने बढ़िया स्टैंडिंग कंडीशन में देखने को मिलेगा भी नहीं, सर्वाइव भी नहीं करेगा, रहेगा भी नहीं, प्रेशर भी नहीं टॉलरेट कर पाएगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे जो भी सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उनको कई गुना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो टॉलरेट करना पड़ता है, ये इन बेचारों के साथ सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है, समझ गए? और रिबन शेप्ड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको क्या करना है, टियरिंग से बचाना है। कैसे बचाइएगा आप? तो सरफेस एरिया इसका कैसा कीजिए, इस तरीके से बनाइए, ऐसे थिन हो गया, पतला हो गया, तो अगर बहुत तेज वाटर करंट आएगा भी तो बीच बीच में से क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा लीव कर दिया होता, बिल्कुल उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कर दिया होता तो क्या हो जाता, वो बीच में से हाँ वाटर प्रेशर ज्यादा, देखा होगा ना आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स जो लगते हैं उसमें बीच बीच में होल कर देते हैं, नोटिस देखा है आपने, नोटिस करा है? यस मैम। बहुत जो एक्स्ट्रा जायंट साइज के जो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं जिसका पर मंथ का कॉस्ट ही जाता है लाख रुपीज का, अगर वो नहीं करेंगे ना, हाँ वो एयर के प्रेशर, तो वैसे क्या होगा, प्रेशर नहीं वो तो आर पार होता रहेगा, वेंटिलेशन आपने दे दिया विंड को तो फटेगा नहीं, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं वहां पे होल्स कर देते हैं। तो सेम वही कंडीशन हो गया कि हमने क्या किया, इसको ऐसा रिबन शेप्ड बना दिया
कि यहाँ पे वाटर करंट कितना भी तेज आए जाए इस बेचारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझ आया सबको? यस मैम। आगे सुनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल्स में कहीं कोई रिलैक्सेशन, कोई डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स बोलने का मतलब है कि वो आपको याद होना चाहिए। और यहाँ जो इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स है, दैट आर वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। क्योंकि हम वेलिसनेरिया का पढ़ रहे हैं, एक को लेके अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो सब में वैसा ही होता है। तो वेलिसनेरिया में हमने क्या देखा कि मेल फ्लावर जो है वो आसानी से इजिली रिलीज होता हुआ अपना कहाँ गया, वाटर सरफेस के ऊपर तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ चला गया। कहाँ जाएगा ये फीमेल फ्लावर भी खुद के पोजीशन को कहाँ लेके जाती है, वाटर के टॉप सरफेस पे। फिर मेल गैमेट जाएगा और उसको क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। सी ग्रासेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पॉलिन ग्रेन्स ही खुद ही रिबन शेप्ड होते हैं, ताकि पैसिवली भी थोड़ा भी अगर वाटर करंट उसको मिले तो ये इजिली और पैसिवली, मतलब विदाउट एनी एफर्ट ऑफ एटीपी, कोई भी एनर्जी आपको वहां पे खर्च नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा भी वाटर करंट जैसे जैसे मूव करेगा वो पॉलिन ग्रेन्स और मेल गैमेट भी अपने आप को वहां पे इजिली मूव कर सकते हैं। और एक दूसरा, दुनिया की हर एक, ऐसा नहीं कि इकलौता सिर्फ मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, वेलिसनेरिया हाइड्रिला जोस्टेरा, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे अर्थ पे जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स अवेलेबल होंगे उसमें 2000% गारंटी के साथ आपको म्यूसिलेजिनस कोटिंग जरूर दिखेगी। म्यूकस जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो उसकी कोटिंग है, उसको हम लोग म्यूसिलेजिनस कोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? म्यूसिलेजिनस कोटिंग कहते हैं। तो पॉलिन ग्रेन्स भी कैसे होंगे? पॉलिन ग्रेन्स तो है ही है, इवन आप प्लांट्स को भी उसमें से देखेंगे वहां से डिटैच करके तो आपको क्या पता चलेगा कि वो भी थोड़ा चिपचिपा स्टिकी सा है। तो ये सब तैयारी किस चीज की है, किसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है? तो इसको स्पेशली तैयार किया जा रहा है कि ये वाटर में सबमर्ज कंडीशन में रहे भी और ये खराब भी नहीं हो। समझ गए? तो ये आपने अडाप्टेशन पढ़ा किन के लिए, जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके लिए पढ़ा आपने। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलो एंटोमोफिलस फ्लावर्स, क्योंकि क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, तो क्या बोल सकते हैं हम उसको? एंटोमोफिलस फ्लावर्स। इसी के लिए दूसरा वर्ड आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एंटोमोफिलस फ्लावर। याद आया सबको? क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? Yes, ma'am. एंटोमोफिलस फ्लावर्स। स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है ये, रीजन ये है इसको लिखना बहुत आसान है। क्या रीजन है कि इतना आसान और इतना इजी कैसे हो गया? इजी इसलिए हुआ कि आप एक ऐसा मोड ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका एजेंट खुद एक बायोटिक एजेंट है, लिविंग है, खुद ही लिविंग कंडीशन में है। तो जब ये खुद ही लिविंग कंडीशन में है और स्पेशली किसी फ्लावर के पास अगर जाएगा तो ऑब्वियस है कि विदाउट किसी ग्रीड के नहीं जाएगा, बिना किसी लालच के नहीं जाएगा। तो पता कैसे चले इसको, इंसेक्ट को, कि फ्लावर कहाँ है? तो जैसे कैसे हमें किसी गाड़ी को रोकना पड़ता है या रेलवे ट्रैक पे कुछ है जिसकी वजह से खतरा हो सकता है ट्रेन को, तो आप वहां पे कोई रेड कलर का कपड़ा या कुछ भी, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं उसको रोकने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम रेड कलर का यूज करते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जल्दी दिखता है। और कोई रीजन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं रेड कलर बहुत सुंदर लगता है इसलिए हमने उसको स्टॉप कलर बना दिया, नहीं, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से
अब इंसेक्ट को जाना है अट्रैक्ट होके फ्लावर्स तक। बायोटिक है, अब इसका तो काम चलेगा नहीं कि अब ये डल कलर बैठ जाए फ्लावर, इंसेक्ट बोलेगा मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों जाऊं उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आसान सा पॉइंट ये निकल के सामने आएगा कि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे ब्राइट कलर्ड, अट्रैक्टिव, सेंटेड एंड सिक्रीट नेक्टर। फ्रेग्रेंस से भी अट्रैक्ट होगा इंसेक्ट, नेक्टर की तरफ भी जाएगा और नेक्टर को लेने के लिए ही जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं तो इसके पॉलिन ग्रेन्स क्या है, विंड पॉलिनेटेड जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उतने छोटे छोटे भी नहीं होंगे, इसका पॉलिन ग्रेन थोड़ा सा उसके कॉम्पिटेटिवली साइज में क्या होगा, बिगर होगा। स्टिकी भी है, स्पाइनी भी है। स्टिकी क्यों है, तो स्टिकी इसलिए है जैसे ही कोई सा भी इंसेक्ट उस पर गलती से भी बैठने की कोशिश करे उसकी बॉडी में स्टिक हो जाए, स्टिक हो जाएगा, फिर जब वो दूसरे फ्लावर तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चला, बाय डिफॉल्ट उसने पॉलिनेशन का काम करा दिया। और स्पाइनी होने से भी क्या होता है, वो इजिली उसमें स्टक होगा, फंसेगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे जब इसको पता है कि मेरे पास एक सुटेबल एजेंट है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये घूम फिर के यहीं आएगा मेरे पास, फ्लावर्स को तो पता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स का जो नंबर है वो काफी फ्यू नंबर में वहां पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पता ही है कि इंसेक्ट जो है वो मैकेनिकली अपनी खुद की मर्जी से, मतलब पता नहीं होता उनको, लेकिन वो नेक्टर लेने के लालच में वो तो गया तो था खुद ही अपनी मर्जी से ना, तो इंसेक्ट्स खुद ही ज्यादा से ज्यादा नेक्टर कलेक्ट करने के चक्कर में एक फ्लावर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाने का काम करता है, और जिस चक्कर में क्या करा दिया उसने, पॉलिनेशन करा दिया, उसको पता नहीं चला। स्टिग्मा के बारे में जब हम लोग बात करें तो स्टिग्मा जो है इसका क्या है, स्मॉल है और कोरोला के बीच में बीचों बीच अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। क्यों, अब कोई विंड पॉलिनेटेड का केस तो है नहीं कि बाहर की तरफ बिल्कुल एंटीना की तरह निकल के बैठ जाएगा, ये जब भी होगा तो कैसे होगा, फ्लावर्स में आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोरोला के बीच में अंदर की तरफ क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपने फीचर्स देखा किसके बारे में, ये आपने इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फीचर देखा। समझ आया सबको, बहुत ही आसान है, आसान क्या, बहुत ही आसान है, ये सुपर इजी है। आपने अभी तक जितने देख रखे हैं ना, जितने टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपने देख रखे हैं, उसमें से बच्चों को खुद भी सबसे आसान जो है यही लगता है, और इसको समझाने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है, अब इंसेक्ट क्यों जाएगा किसी फ्लावर के पास, तो वो समझना बच्चों के लिए भी अपने आप में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। बैड पॉलिनेशन अपने आप में काफी यूनिक है। रीजन ये है कि ये सबको पता है कि जो बैड्स हैं कैसे हैं, ये नॉकचर्नल हैं। मतलब इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी आपको कब देखने को मिलेगी, नाइट के टाइम में। तो एक और पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के सामने आया कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं उनका पॉलिनेशन कराने में ये बैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम इस इमेज की बात करें तो थोड़ा ब्लर है, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आपको सिर्फ एक बात समझानी है। आपको जो बैट यहाँ पे दिख रहा है आपने नोटिस करा होगा और आप जानते भी हैं कि इसके जो फेस का जो शेप है ना, ऐसे स्टाउट शेप है, दिख रहा है सबको, आगे की तरफ ऐसा कोनिकल जो हो जाता है वैसे स्टाउट शेप है।
यहीं पे हैरानी की बात क्या है कि जो आपको यहाँ पे फ्लावर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? फ्लावर नजर आ रहा है। ये फ्लावर भी कैसा है यहाँ पे? ठीक उसी तरीके से ये भी स्टाउट शेप है, ताकि ये जो बैट है ये इजिली यहाँ पे जाए इसके अंदर, और इसका पूरा का फेस जो है वो पॉलिन ग्रेन से कवर हो जाता है, और एक नेक्टर, एक फ्लावर के नेक्टर को लेने की कोशिश करी इस बैट ने, फिर दूसरे फ्लावर, तीसरे फ्लावर, चौथे फ्लावर, ऐसे जाते जाते क्या होता है, ये पॉलिनेशन करा जाता है, इसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो हम लोग वही यहाँ पे बैट पॉलिनेशन देख रहे हैं, और ये जो बैट पॉलिनेशन है इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक टर्म जो है वो सिखा रखा है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बैट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, बैट पॉलिनेशन को हम लोग कायरोटेरोफिली बोलते हैं। तो यहाँ पे अबाउट 250 स्पीशीज ऑफ बैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेटा नहीं है, बट हाँ ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है तो है, दैट इज 25% इंक्लूड सम पॉलिन नेक्टर ऑफ फ्रूट इन देयर डाइट, मेनी पॉलिनेट फ्लावर्स एज पार्ट ऑफ देयर फीडिंग, मतलब उनको पता भी नहीं चलता, वो तो अपने फीडिंग की वजह से इधर से उधर उधर से उधर मूव कर रहा था, लेकिन उस चक्कर में उसने क्या करा दिया, पॉलिनेशन करा। देन जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी एक एक लास्ट, इसके बाद मैं आपको बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फीचर बताऊंगी, मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा डिफर करेगा, क्या डिफर करेगा बताऊंगी मैं आपको। तो ऐसा भी तो है नहीं कि बैट का साइज जो है बहुत ज्यादा छोटा है, अच्छा खासा प्रोमिनेंट साइज है इसका, इसका मतलब है कि जो फ्लावर है उसको भी कैसा होना पड़ेगा, लार्ज स्ट्रॉन्ग फ्लावर होगा इसका, बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करे। फ्लावर्स जो नाइट ब्लूमिंग है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डल कलर्ड फ्लावर ही होते हैं, क्योंकि कैसे हैं ये, नाइट में ओपन होने वाले हैं, नाइट ब्लूमिंग ये फ्लावर्स है। और इसके पास एक स्पेशल पॉइंट क्या है, इनके फ्लावर्स में से जो बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें से रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल आती रहती है। क्या आती रहती है? रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल आती रहती है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि किस टाइप की पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स हैं वो रॉटन फ्रूट लाइक स्मेल जो है वो रिलीज करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? बैड पॉलिनेशन। बैड पॉलिनेशन, हाँ। बैड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है इनके पास क्या होता है, एक फ्लावर के नीचे भी एक स्पेशल फोलिएज होता है जो कि इनको क्या करेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा बैड्स को। और एग्जाम्पल के बारे में जब हम लोग बात करें तो कॉमन से एग्जाम्पल है बनाना, मैंगो, सीसल, कपोक फ्लावर्स, ये किसके द्वारा पॉलिनेटेड होंगे? बैट्स इनको पॉलिनेट करने का काम करे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस सर। मैम लास्ट पेज थोड़ा सा एक बार दिखाएंगे मैम, वो स्क्रीनशॉट है। हाँ ये है, हाँ मैम हो गया। बर्ड पॉलिनेशन दैट इज ऑर्निथोफिली, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि बर्ड्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो बर्ड्स के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली बोलेंगे। तो बर्ड्स के केस में ना एक चीज बहुत अनोखा है, क्या है, इनका ना कलर विजन बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर इनको ब्राइट कलर दिखे, अट्रैक्टिव कलर दिखे तो अट्रैक्ट बहुत होते हैं उसकी तरफ। लेकिन उसका एक उल्टा ऑपोजिट पॉइंट भी है, इनका जो स्मेल का सेंस है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है।
तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि जो बर्ड्स पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होना है, बर्ड्स के थ्रू होना है, तो क्या होंगे वो ब्राइट कलर्ड होंगे. बर्ड्स हैव अ गुड सेंस ऑफ कलर, दे लाइक येलो और रेड फ्लावर्स. मतलब जो ब्राइट कलर और अट्रैक्टिव है उधर की तरफ वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन इसका ऑपोजिट क्या पॉइंट यहाँ पे निकल के सामने आया, बट बर्ड्स डोंट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल. सो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली हैव लिटिल ऑर्डर या कई बार ऑर्डरलेस भी होते हैं, ठीक है. लेकिन आपको पता है भाई कितनी भी छोटी बर्ड अगर हो तो इंसेक्ट जितना छोटा तो नहीं हो जाएगा ना. तो इसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं उसको बहुत हैवी अमाउंट में वहां पे नेक्टर ग्रेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होती है. देन यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, जैसे हमिंग बर्ड वगैरह के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसका आपको जो ये बीक है ये कैसा नजर आ रहा है, ऐसे ट्यूबलर पतला सा, मतलब नैरो की तरफ. तो ऑब्वियस है कि जो फ्लावर है ना उसकी कोरोला भी नीचे की तरफ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उन्होंने खुद भी अपना स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बना के रखा होता है, ट्यूबुलर. तो इसके पास क्या है, ट्यूबुलर कोरोला हो जाएगा. पॉलेंस कैसे हैं इसके, तो पॉलेंस लार्ज होगा और स्टिकी होगा ताकि जैसे यहाँ पे नेक्टर कलेक्ट करने की कोशिश करे तो इसके बीक में स्टिक हो जाए, फिर ये दूसरे फ्लावर पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए, फिर नेक्स्ट पे जाए. तो इस चक्कर में ये क्या करेगा, ये उसका पॉलिनेशन कराने का काम कर जाएगा. तो ये भी आसान सा था आपके पास एक, दैट इज बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका. यस मैम. अब यहाँ पे मैंने आपको मलेकोफिली सिखा रखा है, याद आया क्या सिखा रखा है मैंने आपको, मलेकोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय स्नेल्स और स्लग्स. तो जब हम स्नेल्स और स्लग्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट्स तो लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो इन स्नेल्स को देखते हैं ये कितना स्लो मूव करते हैं. देखा है कभी आपने, नोटिस करा होगा चलते हुए, वेरी 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 स्लो, बहुत स्लो मूव करते हैं. तो जैसे आपको यहाँ पे ये फ्लावर के साथ अटैच दिख रहा है तो ये मूव करता करता इतना ज्यादा इसकी बॉडी, मतलब ये बाहर वाले ये कैलकेरियस शेल की बात में नहीं कर रही, जितना पोर्शन यहाँ पे शेल के बाहर इसका निकला हुआ है काफी स्टिकी होता है, ठीक है. इसके ये भी क्या करता है, अपने स्किन से म्यूकस जो है वो सिक्रीट करता रहता है. तो स्टिकी होने की वजह से बहुत इजिली ये पॉलन ग्रेन्स को अपने आप में क्या करेगा, स्टिक करेगा. स्टिक जब करेगा तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर में ये बेचारा अपने फीडिंग के चक्कर में मूव करता है, लेकिन मूव करेगा, मूव करते करते ये क्या करता है, वहां पे पॉलिनेशन कराने का काम जो है वो कर जाता है. समझ आया आपको. इसके बाद एक एंड पॉलिनेशन मैंने आपको लास्ट बताया था, दैट इज माइरमेकोफिली जो आपने सीख रखा था. तो माइरमेकोफिली बिल्कुल न्यू मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अलग से मैंने बताया आपको. तो ये एजेंट्स जो है ये मैंने आपको कंप्लीट कराया. देखिए पहले आपने सीखा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, फिर आपने सीखा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स. फीचर्स मतलब अडाप्टेशन है उसका, वो अडाप्ट कर गया इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते करते. फिर आपने सीखा फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर्स, फीचर्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर, फीचर्स ऑफ काइरेटोरोफिलस फ्लावर्स. अदर एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है. मलेकोफिली मतलब पॉलिनेशन बाई स्नेल्स एंड स्लग्स. और लास्ट एक बचा आप लोगों के पास, दैट इज माइरमेकोफिली. क्या बोलते हैं इसको, माइरमेकोफिली बोलते हैं. समझ आया यहाँ तक सबको? यस सर. ये आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया जहां पे इसके जितने भी एजेंट्स हैं सबके बारे में आपने यहाँ पे
कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन देखा है, इतना नहीं है आपके बुक में, बस सिर्फ आपको विंड वाटर और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, मतलब थोड़ा का भी थोड़ा आपको पता ही नहीं चलेगा लिखा कहाँ। एंटोमोफिली जो है बहुत कम थोड़ा सा आपको बताया गया वहां पे, बट मैंने आपको इतना सारा जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको देख लेंगे ध्यान से, एनालाइज करेंगे, इमेजेस भी देख के बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हुई है, ठीक है। यहाँ टर्म है आपके पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको जब ऐसे ध्यान से देखें ना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता, सोचते हैं आउटब्रीडिंग भी लिखा हुआ है, डिवाइसेस भी लिखा हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइस, उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं पे कोई जो है वो डिवाइस लेके जाता होगा, कोई यहाँ पे प्रोसेस या फेनोमेना होता होगा, बट यहाँ पे कहीं कोई डिवाइस नहीं है। एक्चुअली अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्चुअली प्लांट्स यहाँ पे अक्वायर कर रहे हैं किसके लिए, टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एंड टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट्स चाहते हैं कि उनको कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन ना करना पड़े, जिसके लिए मैंने आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन सिखाया था, याद है किसी बच्चे को? Yes, याद है क्या होता है? मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, हम सेल्फ ब्रीडिंग करने से वो ब्रीडिंग डिक्रीज हो जाता है, फर्टिलिटी क्वालिटी डिक्रीज इन क्वालिटी ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो वो क्या हो गया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये बेचारा अपने आप को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना चाह रहा है, तो क्या कंक्लूजन निकला आपके पास? आपके पास कंक्लूजन ये निकला कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर मैकेनिज्म्स which are followed and adapted by the plants in order to prevent self-pollination। बिल्कुल शॉर्टेस्ट हो गया ये, बहुत छोटा सा, मतलब कि इससे देख के आपको ये समझ आ जाए कि what is the meaning of our breeding devices। प्लांट को किसी भी कीमत पे क्या नहीं करना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना इसको, तो ये क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन ये करना चाह रहा है, तो वैसे में इसको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी। और एक दूसरी बात कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या है कि हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे कि जब हम यूनिसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? यूनिसेक्सुअल के बारे में। जैसे पपाया का हम एग्जांपल लेते हैं, हाँ, तो जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पपाया प्लांट के बारे में, तो उसमें क्या है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो उसको तो टेंशन ही नहीं है ना, वो बेचारा तो शिकार नहीं हुआ इनब्रीडिंग डिप्रेशन का, उसको तो टेंशन ही नहीं किसी चीज की। दिक्कत किसको है? जो ऐसे फ्लावर्स हैं जो बाइसेक्सुअल हैं,
जो क्या है, बाइसेक्शुअल है, तो वो अपने आप को बचाना चाहते हैं किस चीज से, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन से। तो अब जो स्ट्रैटेजी मैंने लिख तो दिया यहाँ पे बहुत आसानी से, लेकिन ये क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या करते हैं ये, तो उस सीरीज में हम लोग यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक टर्म है आपके पास यहाँ पे डाइकोगेमी, ठीक है। तो डाइकोगेमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो होता ये है कि फ्लावर कैसा है, नो डाउट बाइसेक्सुअल है, लेकिन जो मैच्योरेशन पीरियड है, जो क्या है, मैच्योरेशन पीरियड है, वो दोनों का डिफर कर जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हम कंक्लूजन निकाले यहाँ पे कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स विद इन अ सिंगल फ्लावर। अब कुछ हो ही नहीं सकता, है बाइसेक्सुअल बैठा हुआ है दोनों एक साथ, लेकिन किसी भी कीमत पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, इन डाइकोगेमी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स विद इन सिंगल फ्लावर। मल्टीपल फ्लावर्स। ये वाला पार्ट और एक बार समझा दें। देखिए, डाइकोगामी का इसको देखिए, मैं एक डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ आपको। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे दो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो दो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर अवेलेबल हैं, मतलब क्या हुआ, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल भी है, इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एंथर फिलामेंट भी है। बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर यहीं से पॉलन ग्रेन रिलीज होके इसके स्टिग्मा पे लैंड हो जाए, तब तो बहुत इजीली क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेल एंथर है आपके पास, तो वो जो पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज करेगा और लैंड कहाँ करना है उसको, स्टिग्मा पे लैंड करना है। तो स्टिग्मा पे जब उसको लैंड करना है तो लैंड करके वो करेगा क्या? अगर वो एक्सीडेंटली कर भी जाता है तो अगर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है तो ये वाला पार्ट उस वक्त मैच्योर नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर फीमेल वाला पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाता है तो ये पॉलन ग्रेन इसमें से रिलीज होने लायक नहीं होंगे, तब भी नहीं क्या होगा, यहाँ पे
तब भी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नहीं होगा। अब आया समझ में? अब क्लियर है? मैम एक बार और बताएंगे। अच्छा दिक्कत क्या समझने में आ रही है, मैंने तो बोल दिया कि दोनों जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइम में मैच्योर होंगे, अब इसमें क्या समझना है बताइए? मतलब मेल मैच्योर है तो फीमेल नहीं है, फीमेल मैच्योर है तो मेल नहीं है, अब मैं इसमें क्या बोलूं? और कौन सा पार्ट नहीं समझ पा रहे हैं उसको बोलिए तो मैं बताती हूँ फिर। मैंने सिर्फ यही बोला आपको, एक टर्म लिखा है मैंने डाइकोगैमी, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइकोगैमी तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि इन डाइकोगैमी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। हिंदी में अगर मैं बोलूं, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दोनों अलग अलग समय पे जब मैच्योर होंगे तो फर्टिलाइज कैसे हो सकते हैं? जो फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये बच जाएगा किस चीज से? सेल्फ पॉलिनेशन से। तो हम क्या करा सकते हैं इसका? हम लोग इसको आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, और ये आपके पास एग्जांपल किसका हो गया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। इसका एग्जांपल हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। अब इसमें क्या समझ नहीं आया, कौन सा पार्ट, या हो सकता है कि कुछ मेरा बोलना नहीं समझ पा रहे होंगे, वो पूछेंगे मेरे से तब मैं समझ पाऊंगी। नहीं मैम, वो सेल्फ पॉलिनेशन वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा था, अभी आ गया है। मैंने तो अभी बोला ही नहीं सेल्फ पॉलिनेशन, मैंने बस इतना मैंने बस अभी इतना ही बोला कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है उससे ये बच जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये तो शुरू से मैं रिपीट ही कर रही हूँ 50 से। चलिए ये हो गया, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, और किसी बच्चे को समझना है? यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए मेरे साथ साथ, आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट जो भी है थोड़ा बहुत करके हम लोग करते हैं। आज तो काउंटलेस क्वेश्चंस हो सकते हैं आज की क्लास से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इन विच मोड ऑफ पॉलिनेशन कुछ आ रहे छोटा छोटा होता है, चेंजिंग से in which mode of pollination maximum number of question समझ गए आंसर क्या होगा? हम एनिमोफिली होगा। very good are produced answer is animophily। Then identify the type of pollination by a mucus containing पॉलन ग्रेन। क्या होगा? मैंने सिर्फ ठीक है, वेरी गुड। म्यूकस है पॉलन ग्रेन के पास, तो मतलब बेचारा अपने आप को किससे बचाना चाह रहा है? पानी से, है ना? हाइड्रोफिले, दैट इज वाटर पॉलिनेशन। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन
is concerned with अब क्या होगा मैम एनिमोफिली और विंड परिवेशन वेरी गुड चलो Give a term for bird pollination. क्या हो जाएगा? Ornithophily. नहीं ठीक है बिल्कुल. Ornithophily. ओके आगे बढ़ूँ मैं? Yes ma'am. In which type of pollination flowers emit the rotten fruit like smell? अब क्या हो जाएगा? Chiroptera bat pollination. Very good. Back pollination is using a bracket. Next, likhiye. Pollination by slugs. Slugs. क्या हो जाएगा? Melacophily. हाँ, very good. इसे भी पहचानेंगे हाँ. Melacophily. Then identify. The pollination in a flower which is bright colored, attractive, I'm entomophily. Very good. And scented. एक नेक्टर कंटेनिंग लिख ही देना चाहिए था. चलिए ये भी ठीक होगा. यार लिख देती हूँ. अट्रैक्टिव सेंटेड एंड नेक्टर कंटेनिंग. परफेक्ट हो गया. एंटोमोफिली विद इन ब्रैकेट आप इंसेक्ट पॉलिनेशन लिख लेंगे. नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड दोनों एकदम अपोजिट है एक दूसरे का. इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जस्ट अपोजिट है. ठीक है इसको कर लें कॉपी में. नहीं लिखा मैंने इसका आंसर. जो मैंने लिखवाया है उसी का टेबल बना लेंगे बस हो जाए. नाइन्थ में लिखिए
एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। आखिरी क्वेश्चन, डिस्क्राइब adaptation in water pollinated flowers। चलिए परफेक्ट हो गया बिल्कुल, इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद कहीं से कुछ बचेगा नहीं। एट्थ क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो 3-3 मार्क्स का है। मैं बोर्ड एग्जाम की बात में बता रही हूँ आपको, बाकी तो आपको पता ही है। वन वर्ड आंसर वाला 1 ही मार्क का क्वेश्चन होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। चलिए लीव करूँ मैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।